रहेगा। सबसे पहले तो मैं सदाम खान और उसके दोस्त राजवंश को गुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इन सीनियर्स में स्पेशली मैडम, यकीनन जब भी मैडम को मैं देखता हूँ तो दिल से इज्जत निकलती है। मैडम ऐसी पर्सनालिटी बनी हुई है, जब भी देखता हूँ मैडम को तो दिल से इज्जत निकलती है। एक प्रेशर होता है मैडम की मुझ पे, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला लड़का हूँ, मैं सबके सामने काफी कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, लेकिन जब मैडम बैठी होती है तो पता नहीं मेरी सांसें रुक जाती है। आज मास्टर के स्टूडेंट्स के एक अलविदाई का प्रोग्राम है, खुदा ना करे कि ये अलविदा हो जाए। अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे मास्टर के स्टूडेंट्स में, काफी जबरदस्त स्टूडेंट्स है, काफी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स है, तो मुझे आज जिस मौजू पे बात करने का मौका मिला है, मैं चाहूंगा कि सिर्फ मुख्तसर थे हम लोग, क्योंकि यहाँ काफी सारे सीनियर टीचर्स और मुझसे सीनियर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस शोर्ट प्रोग्राम में अपने अपने मौजू पे बात करेंगे। मैं एजुकेशन के हवाले आजकल के जो एजुकेशन है इस पर मैं बात करना चाहूंगा कि तलबुल्म फरीजतन अला कुल मुस्लिम, इल्म हर मर्द औरत मुसलमान पे फर्ज करा दिया गया है। हमारे माशरे में तो हम सिर्फ मर्द को ही इल्म फर्ज करा देते हैं कि सिर्फ मर्द ही इल्म हासिल करे, लेकिन नहीं, इस्लाम कहता है कि तलबुल इल्म फरीजतन अला कुल मुस्लिम, इल्म हर मर्द औरत मुसलमान पे फर्ज है। इतना इल्म कि वो हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, नेकी को नेकी जाने, बदी को बदी जाने, अच्छाई को अच्छाई जाने और बुराई को बुराई जाने। मेरे फेलोज और मुहतरमा साहबजा, ये बात इतनी आम नहीं है कि इल्म बहुत ही जरूरी है। इल्म और तालीम हमारे माशरे में इतनी जरूरी है कि इल्म इंसान को इंसान बना देती है। ये सब जानते हैं कि अनएजुकेटेड और एजुकेटेड मतलब पर्सन का क्या फर्क है। वाकई में इल्म, अगर कोई वाकई कोई अच्छा इल्म हासिल करे तो इल्म इंसान को इंसान बना देती है। इल्म वाले इंसान के दिल में रहम होता है, इल्म वाले इंसान के उसका रवैया उसका अंदाज सबसे अलग होता है। एक दीनी लोग तबलीगी लोग एक बात करते हैं हमेशा कि आलिम और बेइल्म इंसान के दरमियान इतना फर्क है कि अगर आलिम इंसान सो रहा हो और बेइल्म इंसान रात को इबादत कर रहा हो तो उस आलिम इंसान की नींद उस बेइल्म इंसान की इबादत से बेहतर है। कितनी जबरदस्त इल्म की फजीलत है। और इसी के साथ अफसोस है मुझे आजकल के एजुकेटेड लोगों पे हमारे माशरे में, हम जो एजुकेशन यहाँ पे हासिल कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन का नाम है, ये सिर्फ इल्म का नाम है। इस तरह का एजुकेशन, ये तो सिर्फ एजुकेशन का नाम तक रहा, मैंने हमारे माशरे में एजुकेशन एजुकेटेड लोग देखे हैं जो जालिम है, जो कातिल है, जो धोखा देने वाले है, जो मतलब हर बुराई वही में होते हैं, वो सिर्फ उन लोगों ने सिर्फ एजुकेशन का नाम ही हासिल की है। एजुकेशन इस तरह हासिल नहीं होता। हमारे माशरे में जिन लोगों ने एजुकेशन हासिल की है वो सिर्फ नाम की एजुकेशन लोगों ने हासिल की है। अगर हम लोग वाकई में इल्म हासिल करें, यहाँ तो लोगों ने माइंड में ये रखा है कि हम लोग मास्टर करेंगे, मास्टर के बाद जॉब होगी, 40 से 50 लाख हमारी सैलरी होगी, अपने लाइफ को ज्वाइन करेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। इल्म का नाम सिर्फ डिग्री नहीं, इल्म का नाम सिर्फ जॉब्स नहीं, इल्म का नाम सिर्फ कमाना नहीं। अगर हम लोग मिसाल लें इमाम गजाली से, इमाम गजाली ने कितनी जबरदस्त तरीके से उसने इल्म हासिल की थी, इमाम गजाली हमारे लिए एक मिसाल बन चुका है सारे मुसलमानों के लिए। जब इमाम गजाली चौथे थे 6 साल के थे तो इमाम गजाली एक उस्ताद से किस तरीके से वो इल्म सीखते थे,
इमाम गजाली छोटे थे, सॉरी गुस्से में मुख्तसर सा वक्त लूंगा आप लोगों से। इमाम गजाली जब छोटे थे तो उसको इल्म की तलाश थी, वो इल्म सीखना चाहते थे। तो उसके गांव में एक उस्ताद आया करते थे, नशापुर के गांव था, गजाला के नाम से पुकारते थे उसको। तो उसके गांव में एक उस्ताद आते थे, वो उस्ताद एक रईस दादा के बेटे को पढ़ाने आते थे। तो इमाम गजाली छोटे थे, 6 साल के थे, तो वो भी मतलब इल्म सीखना चाहते थे। तो इमाम गजाली बहुत ही हैरत से देखते थे उस उस्ताद को। एक दिन उस उस्ताद ने उससे पूछा कि बेटे आप क्यों इतने हैरत से देखते हैं? तो इमाम गजाली ने उससे पूछा कि उस्ताद, जब आपका नाम उस्ताद है तो मेरा नाम शागिर्द है, मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा कि बेटे मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको इल्म सिखाऊं, मैं सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ, तो यहाँ मैं किसी रईस जादा के बेटे को पढ़ाने आता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इमाम गजाली ने कहा कि ठीक है, रास्ते पे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा कि जब आप मतलब रास्ते पे आ रहे होते तो मैं आपसे मतलब क्वेश्चन पूछ लिया करूं। तो उस्ताद ने कहा कि ठीक है डील डन। उस्ताद ने सोचा कि कितने क्वेश्चन होंगे, 3-4 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा कितने क्वेश्चन होंगे। तो इमाम गजाली उसी दिन 6 किलोमीटर उसी रास्ते पे उस उस्ताद से क्वेश्चन पूछते रहे। तो वेरी नेक्स्ट डे इसी तरह 6 किलोमीटर इमाम गजाली फिर क्वेश्चन उसी उस्ताद से पूछते रहे। तारीख बताती है कि 6 साल तक इमाम गजाली हर रोज 6 किलोमीटर उस उस्ताद से क्वेश्चन पूछते रहे और आखिर में वो इमाम बन गए। उस इमाम गजाली को इलम का शौक था, असल इलम उसी तरह होता है, ना कि हमारी तरह जो हम लोग एक टारगेट बना के रखा है कि हम लोग मास्टर चलेंगे, उसके बाद जॉब होगी, नौकरी होगी, उसके बाद पैसे होंगे, जिंदगी को एंजॉय करेंगे। आजकल के एजुकेटेड लोग, इतने करप्ट लोग मैंने देखे हैं इसी मुआशरे में, जो गरीबों के कपड़े तक उतार देते हैं इतना करप्शन है। क्या इसको इलम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इलम सिखाया था हमें कि आप अपने इलम में आप मास्टर कर ले, फिर कर ले और फिर लोगों में करप्शन कर ले, गरीबों पे जुल्म करे, कातिल बन जाओ, एक लालच की बुनियाद पे आप किसी को कत्ल करो, एक जालिम बन जाओ, एक धोखेबाज बन जाओ, ये इलम नहीं है। हमें इलम सीखना चाहिए। मेरा ये एक पॉइंट था मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए कि बेशक कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप लोग मतलब इस काबिल बने, कि आप लोग आप लोग की क्वालिफिकेशन में मास्टर की डिग्री आई। मेरा एक मैसेज है आप सब के लिए कि एजुकेशन के साथ साथ चलिए। यकीन मान जो लोग एजुकेटेड होते हैं, मैंने देखे हैं अनएजुकेटेड भी घर आए, एजुकेटेड भी घर आए। जो अनएजुकेटेड होते हैं उनके घरों में न सुकून होता है, न राहत होता है, कुछ भी नहीं होता, सारा माशरा उन लोगों से खराब होता है। कुछ ऐसे मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के खातिर वो लोग कहीं और चले जाते हैं। बेशक अल्लाह पाक ने किसी के रिस्क, लाजमी नहीं है कि कोई मास्टर चले तो उसकी रिस्क और रोजी भी मतलब एजुकेशन में हो। किसी का नसीब बिजनेस में होता है, किसी का किसी और चीज में होता है। लेकिन मेरी एक एडवाइस भी है, वसीयत भी है मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज आप लोग मतलब एजुकेशन के साथ टच रहिए, कि आप लोग के घर में एक एजुकेशन का माहौल होगा। हमारे बच्चों को हम लोग आज इलम उसको हासिल कर रहे हैं, उसको इलम दे रहे हैं, लेकिन उसको तरबियत नहीं दे रहे हैं। अगर हम बड़े किसी घर के बड़े अगर एजुकेटेड हो तो उस घर में इलम का माहौल होता है, उनके बच्चे ऑटोमेटिकली उनके लिए इलम का माहौल पैदा हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली बहुत ही बेहतर तरीके से उन लोगों की तरबियत हो जाती है और वो लोग इलम सीख जाते हैं। सो अलविदा कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू।